पीयू में बमबाजी मामले में पुलिस का एक्शन। बमबाजी मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। लगातार जारी है पुलिस की छापेमारी। गवर्नर ने एसएसपी को दिए कार्रवाई के निर्देश। पटना कॉलेज के हॉस्टल कैंपस में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर बम चले। गनीमत इस बात की रही कि इस वारदात से कोई हताहत नहीं हुआ। बम चलने की इत्तला पुलिस तक भी पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने हॉस्टल से एक जिंदा बम भी बरामद किए। पटना विश्वविद्यालय में बमबारी और गोलीबारी मामले में पुलिस एक्शन में दिखी। एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उनको चिन्हित कर छानबीन की जा रही है। सूचना मिली थी जो वहाँ आउटपोस्ट है उसके लोग, और उसके बाद क्योंकि छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी तो एडिशनल फोर्स भी जो कदमकुआं थाना है, पीरबहोर थाना है और गांधी मैदान थाना है ये, और टाउन डीएसपी लगभग दिन भर थे। हम लोगों ने लगातार सारे हॉस्टल्स को सर्च किया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और जो हॉस्टल में विधि व्यवस्था की समस्या है उसके लिए जो वाइस चांसलर हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उन लोगों ने भी आज कुछ मीटिंग की है, उसमें कुछ निर्णय लिए हैं जिसके विषय में वो आपको अवगत करा सकते हैं। तो जो भी इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन, जो भी क्योंकि प्राइमरीली यूनिवर्सिटी प्रशासन को ही देखना है कैंपस, तो जो भी सहयोग हम लोगों से मांगेगा पुलिस प्रशासन से या जिला प्रशासन से, वो सारा सहयोग हम लोगों को। बाहरी लड़कों को भी लाया गया था को लेकर के पटसन डिस्ट्रिक्ट सर, क्या मामला सामने आया? नहीं, वो तो जो घटना का कारण था, पूर्व में भी कुछ विवाद हुआ था बच्चों के बीच में जो दो अलग अलग हॉस्टल्स के लोग हैं, उसी घटना की प्रतिक्रिया के रूप में कल की घटना की बात बताई जाती है। और जो बाहरी लोगों की बात है तो जो गिरफ्तारी हुई, जो पहले हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था तो उसमें 2 बाहरी थे जो हॉस्टल से रिलेटेड नहीं थे, और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह कल हम लोग को नहीं मिल पाया था जो वहाँ हॉस्टल के सामने लगे हैं सीसीटीवी, तो हम लोग प्रयासरत हैं अगर मिल जाएगा तो उसके आधार पर भी जो बाहरी लोग हैं उनकी पहचान करेंगे, और जो कॉलेज के लोग हैं, हॉस्टल्स के लोग हैं, उनकी पहचान हम लोग जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसके सहयोग से करेंगे। ये नहीं मानते हैं कि कोई पहली घटना नहीं है कि पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं हुई है तो जो भी बच्चे रहते हैं जो अवैध पास आउट हो जाते हैं वो भी रह रहे हैं, असामाजिक तत्व भी, उनका एक डेटा तो तैयार होता होगा सर। तो बेहतर सर, पिछले बार देखिए यूनिवर्सिटी, देखिए ये मतलब कि हम लोग पुलिस स्टेट में नहीं रहते हैं, पुलिस की अपनी सीमाएं हैं और यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस है। वहीं इस मामले में राज्यपाल एक्शन में दिखे। वीवी परिसर में घटना के दिन ही राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना एसएसपी राजीव मिश्रा और कुलपति को राजभवन तलब किया है। उन्होंने पूरे मामले में कार्रवाई करने का अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। पीयू में कैसे हुई बमबाजी? मिंटो और जैक्सन के छात्रों पर आरोप। बम और गोलियों की आवाज से गूंजा इलाका। यूनिवर्सिटी कैंपस में देसी बम फेंके गए। दरअसल पटना विश्वविद्यालय कैंपस में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प की सूचना मिली थी। इस दौरान बमबारी करने के साथ फायरिंग भी की गई, जिसमें एक छात्रा जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि जैक्सन इकबाल और मिंटू हॉस्टल के छात्रों के बीच किसी कारण विवाद हुआ था। पटना कॉलेज में हुए बमबारी और गोलीबारी मामले में एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यह कॉलेज प्रशासन का मामला है, हर जगह पुलिसिया कार्रवाई करना संभव नहीं है क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई के लिए भी कुछ नियम हैं। कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो सूचनाएँ दी जाती है उसके अनुसार ही प्रशासन फिर कार्रवाई करती है। हालाँकि पटना कॉलेज में बमबाजी और गोलीबारी मामले में एसएसपी ने यह भी कहा है कि उक्त समय में वहां डीएसपी अशोक कुमार और स्थानीय थाना के थाना प्रभारी गए थे, मामले की छानबीन की है, इसके बारे में आगे भी जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि पटना कॉलेज में लगातार गोलीबारी और बमबारी की घटनाएं तो होती है, प्रशासन अपने तरफ से यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई वहां तभी की जाएगी जब कॉलेज प्रशासन उनके बारे में जानकारी देगी। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कुछ चिन्हित किया गया है, कब इनकी गिरफ्तारी होगी और कब पटना यूनिवर्सिटी जैसे मेधावी कॉलेज में इस तरह की अराजकता खत्म होती है, यह तो एक बड़ा सवाल है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।